ओथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोए, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। साथियों, इस दोहे में प्रैक्टिकल और थियरी इन दोनों के बारे में बतलाया गया है, और धनु राशि धनु लग्न के लिए ये एक सूत्र का काम कर सकता है। धनु लग्न चाहे कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, यदि वो उसको अप्लाई नहीं कर पाता तो वो कभी सफल नहीं हो पाता है। जीवन में सफलता के लिए धनु लग्न धनु राशि की सबसे बड़ी कुंजी, सबसे बड़ा सूत्र यह है कि वो कम पढ़े और ज्यादा उसको अप्लाई करे। साथियों, सफलता के लिए हम क्या नहीं करते, दूसरे शब्दों में यदि कहें तो सब कुछ करते हैं, अपनी तरफ से तो कुछ भी बाकी कसर हम नहीं रखते हैं, फिर ऐसा क्या कारण है कि सफलता हमें प्राप्त ही नहीं हो पाती। और मैं यहां पर किसी एक प्रकार की सफलता की बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थी जीवन में आपको सफलता मिल जाए, अच्छी जॉब आप प्राप्त कर लें, परंतु चौतरफा सफलता, जी हां, ये संभव है, ये कोई दीवा स्वप्न नहीं है। चौतरफा सफलता के लिए सबसे अहम बात क्या है कि हम अपने मूल से, अपने स्वभाव से जुड़े रहें। स्वभाव में यदि हम रहेंगे तो सफलता बड़ी आसानी से मिलेगी और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इसको हम कई उदाहरणों के बारे में समझते हैं। पहले भी मैंने इस लग्न से और दूसरे लग्नों से जब एपिसोड बताए तब मैंने उनको उदाहरण भी दिया। एक और बार आपको बतला देते हैं कि यदि बास्केटबॉल का जो खेल है उसके लिए जो सबसे बड़ी अर्हता है वो है आपकी हाइट। जितनी आपकी हाइट होगी आपको उस खेल को जीतने में उतनी ही सहायता मिलेगी। तो इस जीवन के इस कुरुक्षेत्र में यदि हमें हमारी जन्म पत्रिका के माध्यम से ये पता चल जाए कि ये मेरा स्वभाव है और उस पर हम चलने लगे, उसको आत्मसात कर लें, उसको पकड़ लें, उसको जोड़ लें और दिनचर्या में यदि शामिल कर लें, तो फिर ग्रहों में यदि कोई भी स्थिति हमारे चल रही है, गोचर की कोई भी स्थिति यदि चल रही है, मारक की दशा चल रही है, तब भी किसी भी प्रकार की समस्या हमें नहीं आएगी। ये मेरा अनुभव है और शास्त्र, ये शास्त्रीय सत्य भी है। तो साथियों, आज जो बारी है वो है धनु लग्न या धनु राशि के बारे में बात करने की। यदि आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। साथियों, ये है एक जन्म पत्रिका और 9 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। ये जो भाव है इस भाव को हम कहते हैं लग्न, और लग्न में जो राशि जो नंबर लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नामकरण होता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये 9 नंबर लिखा है, तो इस जन्म पत्रिका को हम ज्योतिष की भाषा में कहेंगे कि ये धनु लग्न की जन्म पत्रिका हो गई है। अब धनु राशि कैसे होगी? आपकी जन्म पत्रिका में ये जो 9 अंक हैं कहीं पर भी यदि लिखा हुआ है, जहां मर्जी जहां भी लिखा हुआ है उसके साथ में यदि चंद्र लिखा हुआ है तो आपकी जो राशि हो गई वो हो गई धनु राशि। तो दो बातों में से एक बात पुख्ता तौर पर आपको पता होनी चाहिए कि या तो आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो, तो यह एपिसोड आपके लिए ही है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिजिकल फिटनेस। ये केवल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपका स्वभाव है। आपने अगर धनु का चित्र देखा हो तो वो धनुर्धर है, उसके यहां से जो नीचे का हिस्सा है वो एक घोड़े का हिस्सा है, धड़ जो है वो घोड़े का है, और घोड़ा अपने आप में फिटनेस का प्रमाण है, जीती जागती एक प्रतिमूर्ति है, और ऊपर से भी वो एक युवा धनुर्धर है। साथ में उसके धनुष प्रत्यंचा और तीर तो है ही। तो सबसे पहला बिंदु जो है आपके लिए वो है फिजिकल फिटनेस या शारीरिक सौष्ठव, जो भी उसको नाम दे, वो क्यों जरूरी है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे।
फिजिकल फिटनेस केवल इसलिए नहीं कि हम बुरे ना दिखें, तोंद आई हुई है, नहीं, केवल चुस्ती और फुर्ती से कम ये धनु राशि के लिए नहीं जुड़ा हुआ है। जितना धनु राशि का जातक या जातिका, धनु लग्न का जातक या जातिका अपने शरीर पर वर्कआउट करेगा, जितना वो फिटनेस पर वर्कआउट करेगा, उतना ही उसके ग्रहों को प्रबलता मिलेगी। दुष्ट जो ग्रह हैं वो शांत होंगे और शांत ग्रह और भी अधिक शुभत्व की तरफ जाएंगे। सीधा सही है। यहां पर हम हर एक राशि, हर एक लग्न का जो मूल तत्व है, जो स्वभाव है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, शारीरिक फिटनेस की बात कर रहे हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है मर्यादित रहना, इसको भी समझते हैं साथी। मर्यादित रहना, अब मर्यादित क्या होता है कि विडंबना सबसे बड़ी यह है कि जैसे ही इंसान को थोड़ा सा मिलता है वो बिफर पड़ता है। थोड़ा पैसा कमाया नहीं कि अपने आप को वो बहुत बड़ा शहंशाह समझने लगता है। कोई गाड़ी क्या खरीद ली, कोई थोड़ा सा अचीवमेंट क्या कर लिया, उसकी जो दृष्टि है अपने से गरीब लोगों को देखने की, अपने दोस्तों को देखने की, बदल जाती है। धनु को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनु का जो स्वभाव है वो है मर्यादित रहने का। यदि वो अपनी मर्यादा में रहते हैं, सदैव मर्यादा में रहते हैं, कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, तो फिर वही बात बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता कि आपके ग्रहों की चाहे जो दशा चल रही हो, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। साथियों तीसरा बिंदु है मिलनसार होना। मिलनसार का क्या मतलब है कि जिससे भी आप दिन भर में 24 घंटों में मिलते हैं, प्रफुल्लित होकर मिलिए। किसी पर आप एहसान नहीं कर रहे मिलकर के, जो मिलने आया है उसका भी समय उतना ही कीमती है जितना कि आपका समय कीमती है। हाँ, लगता आपको जरूरी होगा कि आपका जो है वो ज्यादा कीमती है समय। तो जब भी आप किसी से मिले, उसको पूरा सम्मान दें, उसको पूरा समय दें, उसको ये एहसास ना होने दें कि आप मजबूरी में मिल रहे हैं, आप फेसेस बना रहे हैं, इधर उधर इशारे कर रहे हैं। ऐसा धनु लग्न या राशि के व्यक्ति को तो गलती से भी नहीं करना चाहिए। चौथा बिंदु है त्यागशीलता। हालांकि इस पर हमने पूरी एक सीरीज अभी ही बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं, पर यह धनु लग्न के लिए, धनु राशि के लिए बेहद जरूरी है। अगर इसके ठीक उलट धनु राशि या लग्न का जो जातक है वो कंजूस है यदि, तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि धनु राशि का मूल स्वभाव ही है त्यागशीलता। इसलिए उसको सदैव त्यागशीलता के साथ में जीना चाहिए। कैसे? एक नियम आप बना सकते हैं, दान का, त्यागशीलता का एक नियम आपके साथ में यदि होगा कि जो भी आप भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वो त्याग पूर्वक करें। बहुत ज्यादा ही इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साथियों अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अध्ययनशीलता। अध्ययनशील उसको होना चाहिए, किसी भी प्रकार का साहित्य जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आप किताबों से दोस्ती कर लेते हैं तो फिर किसी और से आपको दोस्ती करने की जरूरत नहीं। अपने 24 घंटे में से कोई एक समय निकालिए, चाहे वो आधे घंटे का ही समय हो। यदि आप अध्ययन करते हैं तो इससे न केवल आपकी जानकारी बढ़ेगी बल्कि आपके ग्रहों से इसका सीधा जुड़ाव है। किसी विषय विशेष की पुस्तकों की यहां बात नहीं की जा रही। आपकी जो हॉबी है, आपका जो शौक है, आपको जो पसंद है लिटरेचर, आप वो पढ़ सकते हैं, परंतु इसको आप अपने रूटीन में शामिल जरूर कीजिए। और आज का जो अंतिम बिंदु है वो है धर्मशीलता। हर एक का पक्ष और विपक्ष दोनों है साथियों। धर्मशीलता का सीधा अर्थ हम धर्म से ले लेते हैं, किसी विशेष धर्म के अनुयायी होने से ले लेते हैं। इससे बहुत अधिक गहरा है धर्म का अर्थ, जो हमारा धर्म है, हम जिस भूमिका में हैं, हम कौन हैं। किसी संगठन में, किसी परिवार में हमारी अपनी एक भूमिका होती है, तो हम यदि उस भूमिका को बखूबी निभाते हैं बिना किसी प्रकार की काम की चोरी किए, यही सबसे बड़ी धर्मशीलता है। अब इसका उलट क्या हुआ, हम कह देते हैं कि ये व्यक्ति नास्तिक है, नास्तिक और कुछ नहीं। जैसे ईश्वर में जिसकी आस्था नहीं उसको हम नास्तिक कह देते हैं, तो काम में जिसकी आस्था नहीं उसको हम काम
चोर कह देते हैं। धनु को गलती से भी नास्तिक या काम चोर नहीं होना चाहिए। साथियों, ये जो सारे के सारे बिंदु हैं, ये निचोड़ हैं एक प्रकार से आपके धनु के व्यक्तित्व का। तो इन जड़ों से आप जुड़िए, इनको अपनाइए, इनको आत्मसात कीजिए, अप्लाई कीजिए, और जो आपकी मंजिल है आप देखेंगे कि उस पर जो धुंध जमी हुई थी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको स्पष्ट रूप से अपनी मंजिल नजर आने लगेगी और बहुत जल्द आप वहां पर पहुंच भी जाएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, आज के लिए कुंडली से संबंधित इतना ही। आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी है और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये आर्ट बाय चेतना इस आईडी से आया है और आपने धन्यवाद गुरु जी लिख भेजा है। तो चेतना जी, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। और आपके जो धन्यवाद है उसका उत्तर यही है कि जब भी हमारे किसी जातक के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, किसी उपाय से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो यही सबसे बड़ा धन्यवाद हमें मिल जाता है। साथियों, अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो पेरेंट्स ब्लेसिंग, और आपने गुरुजी नमस्कार लिख भेजा है। तो आशीर्वाद आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट बिंदेश्वरी राय जी ने लिखा है, जय मां शेरा वाली। तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, इसी प्रकार से अगले लग्न पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।